सभी भक्तजनों को सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको केवल रेचक प्राणायाम बतला रहा हूं। केवल रेचक प्राणायाम इनके लिए बहुत लाभकारी है जो अत्यधिक अहंकार से ग्रस्त होते हैं, बहुत घमंड युक्त होता है, जो गुस्से से बहुत परेशान होते हैं, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, जो अपनी छवि को अपने से ज्यादा आंकते हैं, जितनी वास्तविक स्थिति है उससे ज्यादा अपनी छवि आंकते हैं, जिनके फेफड़े में भी कोई दिक्कत है, हृदय में कोई दिक्कत है, चाहे रक्तचाप बढ़ा हो चाहे घटा हो या ब्लॉकेज हो, जिनको गैस की समस्या बहुत सताती है, पित्त बहुत ज़्यादा होता है, बनता है शरीर में चक्के निकल जाते हैं, लाल लाल चक्के निकल जाते हैं, और खट्टी डकार, उल्टी होना, नींद नहीं आना, अत्यधिक विचार चलना, और जिनमें हाइपर एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा जो चंचल होते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। सर दर्द जिनको रहता है और नींद नहीं आती है, अत्यधिक उलझन होती है, भयानक सपने आते हैं, तो उत्तेजना का बहुत दौर चलता है, भावनाओं पर काबू नहीं होता, भाषा पर काबू नहीं होता, तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको करना क्या है, किसी भी आसन पर आप बैठ जाएंगे, जो ध्यान आसन है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन वगैरह, इनमें से किसी में भी आप बैठ जाएंगे, और इस क्रिया को करने के पहले आप जो है शौच क्रिया से निवृत्त हो लेंगे, और धीरे डाले कपड़े पहन करके करने हैं, प्रातः काल सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद और सूर्य स्थान पर बैठ के करेंगे। और कंबल और गरी बिछा लेंगे तो बैठ के करेंगे, और देखिए यह जो उंगली है तर्जनी, इसको ऐसे दबा लेंगे, अंगूठे से दबा लेंगे। अहंकार की ये जर्नी है, इसको दबा लेना जरूरी है, उसी से पित्त सब बढ़ता है, दूसरे को छोटा रोग समझते हैं, इसको दबा लेना है अंगूठे से। ये वैराग्य मुद्रा कहा जाता है, पृथ्वी तत्व मुद्रा भी कहते हैं, वैराग मुद्रा में इस तरह से हो जाता है, पृथ्वी तत्व मुद्रा में सुधार हो जाता है। आप इस मुद्रा को भी कर सकते हैं, वैराग मुद्रा को भी और पृथ्वी तत्व मुद्रा को भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक मुद्रा आप नहीं लेगा, दोनों नए उंगलियों को ही, इन्हीं दोनों उंगलियों का प्रयोग होता है, बाकी उंगलियाँ जो है वो बाहर रहेंगी, सीधी रहेंगी। वैराग मुद्रा पृथ्वी तत्व मुद्रा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वायु तत्व मुद्रा, पृथ्वी तत्व मुद्रा तो ये, तो वायु तत्व मुद्रा को लगा लेंगे, ज्यादा मुद्रा लगा लेंगे, और क्या करेंगे, सांस को इसमें छोड़ा जाता है, रेचक क्रिया करते हैं, सांस को धीमे धीमे निकालते हैं, तो सांस को निकाल लेंगे धीमे धीमे, एक सुर में निकालेंगे यानी एक क्रम में निकालेंगे, झटके से नहीं निकालेंगे, निरंतर, और धीमे धीमे
उसको भर लेते हैं। और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो साथ में इसमें जालंधर दंड भी लगा देते हैं, यानी गर्दन को झुका देंगे, यहाँ पर ठुड्डी से सटा देंगे। जालंधर दंड की क्रिया इसके साथ चलती है। और उसके बाद और झुकाएंगे तो ये जो है नाभि पीछे चली जाएगी, और इसमें उद्यान बंद भी लगा लेते हैं बाद में, यानी इसको पेट को पीछे ले जाएंगे, अधिक शरीर और गड्ढा जैसा बना देंगे यहाँ पर। आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। इसमें बीच में कुंभक नहीं करना है, यानी श्वास को आपको रोकना नहीं है, श्वास को बिल्कुल छोड़ देंगे और खाली इसको पीछे खींच लेंगे। जैसे ही पीछे पूरा खींच दिया जाता है, आपको होल्ड करके नहीं रखना है ज़्यादा देर तक, जैसे कि उद्यान बंद में करते हैं वैसे नहीं करना है। उद्यान बंद में अधिक शरीर देर होल्ड करें, इसमें क्या है कि आपको उतना ही देते इसको होल्ड नहीं करना, उतने देर तक आपको खींचते रहना जितना देर तक आप सांस छोड़ सकते हैं। जो आपका सांस छोड़ने का जो है उपक्रम पूरा हो गया, त्यों ही जो है आपको फिर जो है सांस भरना, ये ध्यान रहे। उद्यान में क्या करते हैं कि सांस छोड़ करके सांस को रोक देते हैं, और अधिक से अधिक देर तक रोके रखते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करना है। सांस छोड़ेंगे अधिक से अधिक, जब सांस छोड़ने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और ऊपर खींच लेते हैं, फिर जो है सांस में पूरा भर लेंगे, और लगातार इसको करते रहेंगे। कम से कम आप 11 तक करेंगे, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 108 बार तक ले जाने का विधान है। आप जितना करते जाएंगे उतना ही आपको लाभ स्पष्ट दिखने शुरू हो जाएगा, और सांस फिर जो है जो वापस आएंगे फिर धीरे धीरे ही बढ़ते हुए आ जाते हैं। इसमें जोर जो है भरने पर नहीं है, आप तो खुद हवा भरेगी, जोर जो है छोड़ने पर है। आपको ध्यान जो है छोड़ने पर लगाना है, श्वास पर ध्यान देना है, लेकिन ध्यान जो है छोड़ने पर ही रहना चाहिए, यानी रिचक क्रिया पर ही रहना चाहिए, यह आप समझ लीजिए। तो इसमें इतना ही। हरिओम।